वेलकम टू ट्रैक विद सर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPSSC 2021 के पेट से एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यहां पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाएंगे और पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल लेटर है दोस्तों और यहाँ पर इसका विषय है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी या शिक्षणेत्तर पदों पर चयन है तो समय सारणी के संबंध में। तो ये लिपिक मतलब क्लर्क, जो विश्वविद्यालय में या कॉलेज वगैरह में जो ये क्लर्क लोग होते हैं तो उनसे संबंधित ये भर्ती है उन्हीं लोगों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या इतने दिनांक 25/11/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षणेत्तर पदों समूह गा पर चयन हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। और नंबर दो पे लिखा है इस संबंध में सत्र 2022-23 में प्रश्नगत पदों को भरे जाने हेतु समय सारणी का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरह पूरी जानकारी दी गई है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही एक तरह से कह सकते हैं इसको, ये हालांकि लेटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृत कार्यवाही है और निर्धारित तिथि है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर एक पे है संबंधित संस्था प्रबंध तंत्रों द्वारा संस्था में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किया जाना है ये 11/7/2022 तक, और संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों की पुष्टि औचित्य मृतक आश्रित एवं अधिसंख्या पद का समायोजन आरक्षण के नियमों का अनुपालन करते हुए स्पष्ट संतुति सहित प्रस्ताव शिक्षा अनुदेशक माननीय को प्रेषित किया जाना है ये 26/7/2022 तक, और शिक्षा निदेशक द्वारा नियमों के आलोक में औचित्य एवं आवश्यकता के परीक्षणोपरांत पदों को भरे जाने हेतु आदेश निर्गत किया जाना है ये है 10/8/2022 तक, और शिक्षा निदेशक माननीय के आदेश के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अधिनियम 101 के अंतर्गत संबंधित प्रबंध तंत्र अथवा प्राधिकृत नियंत्रक को पद भरे जाने की अनुमति प्रदान किया जाना है 19/8/2022 तक। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं नियुक्त प्राधिकारी जो कि प्रबंध तंत्र द्वारा विनियम 101 के खंड के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले जिला सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूची के प्रथम पाँच से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराना, आवेदन पत्र भरने हैं तो कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। तो जब इसका ये नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को समाचार पत्रों से या वेबसाइट पे जो है जानकारी दी जाएगी और 21 दिनों का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, और अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाना तथा उसकी छायाप्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनके मेल आईडी पर प्रेषित किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक की मेल आईडी विज्ञप्ति में प्रकाशित कराई जाएगी। तो उस आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आप लोगों को जो हार्ड कॉपी उसकी निकाल के उसको सेंड करना पड़ेगा और जिला विद्यालय निरीक्षक की मेल आईडी पे भी सेंड करना पड़ेगा, ये करना होगा 19/9/2022 तक। इसके अलावा 6 नंबर पर लिखा हुआ है संस्था प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा पेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार कराई जाएगी 26/9/2022 तक, और नंबर 7 पे दिया गया है मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, कंप्यूटर टंकण परीक्षा क्वालिफाइंग होगी। तो यहाँ पे 17/10/2022 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेट के आधार पे ही मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है ना, 2021 का पेट। और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 8 पे कंप्यूटर टंकण परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को पेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी तथा विज्ञापित पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साक्षात्कार की भी बात की गई है और ये 25/10
2022 तक साक्षात्कार होंगे आप लोगों के। और नंबर 9 पे लिखा गया है साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ठीक है ना, इसमें इंटरव्यू भी होगा आप लोगों का। नंबर 9 पे लिखा है विनियम 101 के खंड 1 में गठित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार लिया जाएगा, तो 20 अंक का साक्षात्कार होगा आप लोगों का, ठीक है ना। 80 नंबर का जो होगा वो आप लोगों का होगा पेट के आधार पे स्कोर जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है ना। और 20 पर मतलब 80% पेट के स्कोर होगा और 20 अंक जो है साक्षात्कार होगा यहाँ पे 9/11/2022 तक। और चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के पेट परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी, ये 17/11/2022 तक। उक्त मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चयन समिति चयनित सूची संस्था प्रबंधक को प्रेषित की जाएगी 21/7/2022 तक। और प्रबंधक द्वारा चयन समिति में प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जाएगी 28/11/2022 तक। 13 नंबर पे है जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्त तैयार कराकर अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करते हुए अपने अभिमत सहित प्रस्ताव मंडलीय समिति को प्रेषित किया जाएगा, ये 5/12/2022 तक। नंबर 14 पे है मंडलीय समिति द्वारा नियमों को आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरांत वित्तीय अनुमन्यता निर्गत की जाएगी 12/12/2022 तक। और नंबर 15 लास्ट है ये चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 16/12/2022 तक हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे और भी पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 3 लिखा है उक्त चयन प्रक्रिया शासनादेश के अंतर्गत होगी और इसमें जो है प्राविधानित व्यवस्था अनुसार संपन्न कराई जाएगी। और इसके लिए ये वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, यहीं पे ये सारी प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है ना। ये UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होगी, हालांकि UPSC के पेट के स्कोर के आधार पर होगा ये सब, लेकिन ये वेबसाइट जो दी गई है इस वेबसाइट पे ये सब कुछ होगा। और इसमें नंबर 4 पे लिखा है अभ्यर्थियों के पेट स्कोर की पुष्टि सत्यापन संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी और जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु किसी जनपदीय अधिकारी को नामित किया जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे पॉइंट हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और मैंने जो मेन पॉइंट थे आप लोगों को बता दिए, और इसके अलावा ये कुछ पॉइंट हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये लेटर के हिसाब से है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी भर्ती के हिसाब से। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कब क्या होने वाला है तो आप लोग वैसे उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये पूरा पढ़ के आप लोगों को बताया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पाने के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।